अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यूनुस मोटर पे फिर से मौजूद एक और नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में जो हमारे पास गाड़ी है जी सीविक है, 4 मॉडल है। और इसके अलावा ये जो गाड़ी है ये मतलब बहुत ही साफ़ सुथरी हालत में है। और इसके अलावा एक और गाड़ी हमारे पास आज के रिव्यू में, एक और जो दूसरी गाड़ी है ये है जो बलिनो है, सुजुकी बलिनो है। दोनों गाड़ियों का रिव्यू आज की वीडियो में करवाया जाएगा। तो जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली वो सब्सक्राइब करें, जो बेल आइकन का निशान है उसको आल पे क्लिक कर लें ताकि जो आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को मिल सके। तो चलें जी शुरू करते हैं, बलिनो से शुरू करते हैं जी। हमारे पास सुजुकी बलिनो है, 2003 मॉडल है। और साइडें जो है इसकी शावर्ड है, ठीक है। बाकी जो है सीएनजी इसकी ओके है, ऐसी शेसी इसका ओके है। तो कंडीशन आपको डिटेल से दिखाते हैं, बोनट आप इसका देख सकते हैं। और इसके अलावा जी इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है ये आप लोग देख सकते हैं। लाइट्स वगैरह, बम्पर वगैरह पर स्क्रैचेस वगैरह पड़े हुए हैं ये आप लोग देख सकते हैं। बाकी जो है टायर्स में अलॉय रिम लगे हुए हैं, टायर्स की जो कंडीशन है वो ठीक ठाक है, कोई भी मसले वाली बात नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो स्क्रैच है, और इसके अलावा जो स्क्रैचेज हैं ये आप लोगों के सामने है। कोई भी चीज़ जो है वो आप लोगों से छुपाई नहीं जाएगी, जो तमाम डिटेल्स हैं गाड़ी के बारे में डीपली आप लोगों को दिखाया जाएगा। बाकी जो बैक टायर है ये भी आप इसका देख सकते हैं। बैक से मैं गाड़ी का जो व्यू है ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। बैक से जो गाड़ी का व्यू है ये भी आप लोग देख सकते हैं, बैक से गाड़ी की क्या लुक है। बाकी ये जो है थोड़ा स्पोर्ट्स लुक देने के लिए जो है एग्जॉस्ट का सिस्टम थोड़ा सा लगाया गया हुआ है। बाकी जो है साइड, दूसरी साइड भी आप इसकी देख सकते हैं इस साइड की क्या कंडीशन है। अभी दोस्तों जो है इस गाड़ी का अंदर से मैं जो रूम है वो आप लोगों को दिखाता हूँ। रूम आप इसका देख सकते हैं जी, एसी शेसी इसका ओके है। और इसके अलावा मैनुअल गियर हैं जी इसमें, पुराना मॉडल है, ऑटोमेटिक तो होंगे नहीं है। बाकी जो इसका फर्श है नीचे, मैट्स वगैरह देख सकते हैं। सीट्स की जो कंडीशन है ये भी आप लोगों के सामने है, सीट्स की जो कंडीशन है ये बिल्कुल ठीक ठाक है। तो अभी जो है बैक सीट्स जो है इसकी ये भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि बैक सीट्स की क्या कंडीशन है। बैक सीट्स आप लोग देख सकते हैं, बैक सीट्स जो है इसकी पोशिश इसकी ठीक है, थोड़ी सी वॉशेबल हैं सीट्स, लेकिन सीट्स की जो कंडीशन है वो ओके है। छत इसका आप देख सकते हैं, जो छत है इसका ये भी माशाल्लाह साफ़ सुथरा है, कोई भी मसले वाली बात इसमें नहीं है। तो चलें जिसका ट्रंक भी मैं दिखाता हूँ कि ट्रंक की क्या कंडीशन है। डिक्की की सीलें वगैरह आप लोग देख सकते हैं, सूरज की वजह से पीछे से लाइट आ रही है, आप देख सकते हैं सूरज जो है बड़ा लगा हुआ, दिसंबर चढ़ गया है लेकिन अभी भी उस तरह उस हिसाब की सर्दी नहीं है। तो बाकी डिक्की की सीलें आप चेक करें, अंदर से जो गाड़ी का रूम है ये भी आप लोग देख सकते हैं। तो इसको मैं उठा के देखता हूँ तो इसके जो हौदा ये आप लोग देख सकते हैं, स्टेपनी वगैरह जो इसकी मौजूद है। तो अभी जो है चलें इसका इंजन थोड़ा सा आप लोग दिखाते हैं कि इंजन की क्या कंडीशन है भाई। इंजन आप लोग देखें जी, शोरूम के बकौल जो इसका इंजन ओके है, कोई भी काम शाम होने वाला नहीं है। गाड़ी जो है उन्होंने मुकम्मल जो है वो मतलब ठीक रखी हुई है। कुप्पे वगैरह आप लोग देख सकते हैं, जो इसका चेसी नंबर है ये भी आप लोग देख सकते हैं। दूसरा कुप्पा भी, फ्रंट पट्टी, बैटरी, मुकम्मल गाड़ी ओके है, ठीक है। जैसे आपने गाड़ी को ख़रीदना है और इसको ड्राइव करना है। बाकी जो है इस गाड़ी की जो प्राइस है वो मैं अगर आपको बताऊँ तो इस गाड़ी की जो डिमांड की जा रही है यूनुस मोटर्स पर वो आपको बताता हूँ। इस गाड़ी की जो प्राइस डिमांड की जा रही है वो की जा रही है जी 6.5 लाख रुपया। 6.5 लाख रुपया डिमांड की जा रही है, प्राइस फिक्स नहीं है, इसमें कमी पेशी हो जाएगी। तो प्राइस ऊपर नीचे थोड़ी सी हो जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब लाजमी कर लिया करें। और उसके साथ एक और गाड़ी है जिसका मैं आप लोगों को रिव्यू करवाता हूँ, ये है जी हमारे पास सिविक का 2004 मॉडल सिविक है, और बड़ी ही शानदार गाड़ी है ये भी। सबसे पहले गाड़ी भी देखें, टायर जो है इसमें अलॉय रिम लगे हुए हैं, टायर्स की कंडीशन भी ठीक ठाक है। फ्रंट से जो है आप इसका बोनट चेक कर सकते हैं, ठीक है। और जो इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है ये भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये भी माशाल्लाह बड़ी अच्छी गाड़ी है। तो ये जो गाड़ी है दोस्तों, साइडें इसकी शावर्ड है, बाकी ये जो गाड़ी अंदर से जेन्युइन है। तो 1.6 इसके पावर है, BTI है। और इसके अलावा जो इसकी साइडें वगैरह ये मैं आपको थोड़ा सा क्लोजली दिखाता हूँ, साइडें वगैरह आप इसकी देख सकते हैं, कोई भी स्क्रैचेस वगैरह मुझे नहीं नज़र आ रहे। बाकी जो है बैक से भी आप गाड़ी की कंडीशन देख सकते हैं जी, बैक से गाड़ी की क्या कंडीशन है। पीछे आप देख सकते हैं जी रियर कैमरा जो है इस लगा हुआ है, ठीक है। जो लाइट्स वगैरह हैं, बम्पर वगैरह की जो कंडीशन है वो बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई भी स्क्रैचेस वगैरह या मतलब वो क्रैक वगैरह नहीं है। तो अभी जो है दोस्तों इस गाड़ी की जो दूसरी साइड है ये भी आप देख सकते हैं, जो दूसरा टायर है ये भी माशाल्लाह ओके है, ठीक है। दूसरी साइड का जो कलर है ये भी माशाल्लाह फ्रेश है। तो अभी अंदर से गाड़ी आप लोगों को दिखाते हैं, थोड़ी सी अंदर से आप गाड़ी का जो डोर है ये आप चेक कर सकते हैं, जो डोर की सीलें वगैरह हैं ये भी आप लोग देख सकते हैं। और उसके अलावा डैशबोर्ड जैसा ये देख सकते हैं, डैशबोर्ड की जो कंडीशन है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा है, LCD लगी हुई है, ठीक है। AC शेसी का भी बिल्कुल ओके है, 1.6 है। सीट्स की बात करें तो सीट्स आप लोग देखें, कोई भी सीट बैठी हुई नहीं है, पोशिश जो है सीट्स की वो बिल्कुल ठीक ठाक है। और इसके अलावा जो नीचे मैट्स वगैरह हैं उनकी कंडीशन भी बिल्कुल साफ़ सुथरी है। छत भी आप लोग देख सकते हैं, जो छत है इसका ये भी ओके है, साफ़ सुथरा है। तो अब पीछे वाला जो डोर है ये लॉक है,
तो इसलिए मुझे आगे से थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा जी। तो फ्रंट से आप इसकी देख सकते हैं जी, जो बैक सीट्स हैं यहाँ पे आप ग्लास होल्ड कर रख सकते हैं, ठीक है, कुछ चीज़ अपनी सीट्स की, जो बैक सीट्स की कंडीशन है, डोर्स की जो कंडीशन है, ये भी बिल्कुल ओके है, कोई भी इसमें कोई ज़्यादा को रफ नहीं है कुछ चीज़। तो अभी दोस्तों इसका जो इंजन है ये भी आप लोगों को दिखाते हैं कि इसके इंजन की क्या कंडीशन है। ये है जी सिविक 2004 मॉडल VTI का इंजन, 1600 cc इसके इंजन की पावर है। बैटरी देख सकते हैं, फ्रंट पट्टी जो है आप लोग देख सकते हैं, कुप्पे वगैरह जो है इसके ठीक हैं, अच्छे से बिस्किट इसका जो नंबर है ये भी आप लोग देख सकते हैं, बोनट की सीले वगैरह ये भी आप लोगों के सामने है। तो दोस्तों जोनस मोटर पर ये गाड़ी अवेलेबल है। इनका जो एड्रेस है, जब आप पिंडी बाईपास से रावली की तरफ जाते हैं तो राइट साइड पर इनका बोर्ड आप लोगों को नज़र आ जाएगा, GM मोटर्स के बिल्कुल साथ। तब दोस्तों मेन चीज़ है जी इसकी प्राइस आप लोगों को बताते हैं कि इसकी जो प्राइस है वो क्या डिमांड की जा रही है। तो दोस्तों इस गाड़ी की जो डिमांड की जा रही है वो की जा रही है जी 10.5 लाख रुपया। आप सोचते होंगे कि आप गाड़ियाँ दिखाते हैं ऊपर सस्ता लिख देते हैं, लेकिन गाड़ियाँ तो महंगी होती हैं। तो दोस्तों ये जो प्राइस है पाकिस्तान में गाड़ियों की, आप लोगों को पता ही होगा कि टैक्स जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, और आजकल वैसे भी महंगाई जो है वो बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है, तो उस लिहाज से जाहिर सी बात है फिर हर चीज़ जो है वो महंगी होती जा रही है। तो इस गाड़ी की जो डिमांड है वो 10.5 लाख रुपया की जा रही है। बाकी है कि प्राइस निगोशिएबल है, इसमें कमी पेशी हो जाएगी। स्क्रीन पर आप लोगों को इनका नंबर नज़र आ रहा होगा, इनके नंबर पर आप कॉल करके तो जो प्राइस है वो और भी नीचे करवा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी थी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पहली फुर्सत में इतनी मेहनत से वीडियोस लेके आते हैं तो हमें कम से कम एक लाइक जो है वो ज़रूर किया करें, और कमेंट सेक्शन में बताया करें कि हम कैसा काम कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह निगबान।